नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। विस्तार न्यूज का खास शो गेस्ट इन न्यूज रूम देख रहे हैं और आज हमारे गेस्ट कौन है आप जानते हैं? कौन है ये हैं लखनलाल देवांगन जी, जो कि उद्योग मंत्री हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है उद्योग मंत्री जी आज विस्तार न्यूज के दफ्तर में। धन्यवाद आपको कि आपने ऐसा कार्यक्रम रखा है और निश्चित तौर पर बातचीत आपके साथ करने में बड़ा अच्छा लगेगा। क्या बात है, आपने उम्मीद जता दी है। लेकिन आप उद्योग मंत्री हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं, ये देख रहे हैं आप क्या है ये जो उड़ रहा है? जी क्या है ये? इसको ड्रोन कहा जाता है। जी जी क्या है, फैक्ट्री लगाना है आपको प्रधानमंत्री जी ड्रोन को लेकर? और लाइए इधर पास में लाइए, ये देखिए प्रधानमंत्री जी ड्रोन को लेकर हमेशा उसके फायदे बहुत गिनाते हैं। जी जी तो ये क्या है ये बता दीजिए और इसको हम लोग वहाँ भेजते हैं ताकि हम लोगों की गगनचुम्बी शॉट ये ले ले। और इसके साथ ही आप पूरे प्रदेश को किस तरह से उद्योग संचालित हो रहे हैं ये ड्रोन दिखा दे ऊपर से। तो इसको एक बार बोलिए कि भाई ऊपर चले जाओ पीछे से दिखाओ, ऊपर चले जाओ पीछे से दिखाओ। अच्छा ऑटोमेटिक है क्या? हाँ देखिए ये चला गया। अच्छा ये चला गया, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। मंत्री जी कह रहे हैं नीचे आ जाओ, आओ भाई। ये देखिए नीचे आ गया, ठीक ला वही रहा है। हाँ, लेकिन निर्देश का पालन कर रहा है। जी जी। तो अब हम लोग विस्तार न्यूज के दफ्तर के अंदर चलें, आपकी इजाजत हो। चलिए 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 भाई, कैमरामैन आ जाइए, मुकेश जी आप भी आइए, उसके बाद चला जाएगा। आइए आइए आइए, ये हमारा दफ्तर है जी। और बहुत अच्छा है। अच्छा है, देखा आपने? इससे पहले आप गए थे किसी दफ्तर में किसी न्यूज चैनल के? नहीं गया हूँ और न्यूज चैनल में, बाकी आपका दफ्तर देख के काफी अच्छा लगा। थोड़ा हाईटेक है? हाईटेक है, बहुत ज्यादा स्टाफ है, बहुत सारे आपका जो सिस्टम है जी वो कंप्यूटरकृत है और काफी अच्छा सिस्टम है। मंत्री जी हमारा जो दफ्तर है वो आपने बहुत सही पकड़ा, मतलब सही कम समय में आप इंट्री के साथ। ये पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पहला न्यूज़ चैनल ऐसा है जिस न्यूज़ चैनल में सारे ये जो इक्विपमेंट आपको दिख रहे हैं ना ये दो जगह है। मध्य प्रदेश में भी हमारा इतना बड़ा ऑफिस है, इससे बड़ा है, छत्तीसगढ़ में भी हमारे पास सारा है, मतलब दो चैनल हम चला रहे हैं एक चैनल के रूप में। बहुत अच्छा है, देख के बहुत अच्छा लगा। अब ऐसी होना चाहिए व्यवस्थित, क्योंकि आप लोग दर्पण है एक तरह से जनता की, जनता की आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाना, सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाना और मीडिया के माध्यम से ही लोगों को देश विदेश का खबर तत्काल मिलता है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेकंड भी नहीं लगाता, दुनिया का खबर तत्काल मिल जाता है और इससे लोगों को पूरे देश दुनिया की जानकारी पल पल का मिलते रहता है। ये सब हम लोग की अच्छी बात है। विस्तार न्यूज़ काफ़ी अच्छा, मैं भी जब घर में रहता हूँ खाली समय तो विस्तार न्यूज़ चालू करता हूँ, देखता हूँ, क्योंकि विस्तार न्यूज़ विस्तार से पूरा भारत के नहीं और भी दुनिया का जो बड़े खबरें रहते हैं उसको दिखाने का प्रयास करता है। नहीं सही सही बताइएगा, विस्तार न्यूज़ आप देखते हैं कि आज दफ्तर में आए हैं इसलिए कह रहे हैं? ईमानदारी से बताइए। आप मैं कुहड़िया में रहूँगा तो अचानक पहुँच जाइएगा, मेरा टीवी चालू रहेगा तो कौन सा न्यूज़ चलते रहेगा? अरे क्या बात है, आइए आइए आइए, आपका स्वागत करवाएंगे। देखिए आज आप लोगों के बीच में उद्योग मंत्री और श्रम मंत्री जी आए हैं और इन्होंने स्वागत करिए ताली बजा के आप लोग सभी, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अभी क्या कहा है उद्योग मंत्री जी ने आपको पता है? इन्होंने कहा कि आपका दफ्तर बड़ा हाईटेक है और बड़ा एडवांस है। और एक बात और कही है पांडे, क्या कही है पता है आपको? कि जब मैं खड़िया, कहाँ रहते हैं मंत्री? कुहड़िया। कुहड़िया, कुहड़िया आपका घर है? कुहड़िया कोरबा में, कुहड़िया करके मोहल्ला है, वार्ड कुहड़िया। तो आपने क्या कहा मेरे को एक बार बता दीजिए तो ये सब सारे खुश हो जाएंगे। मैंने कहा कि मैं विस्तार न्यूज़ देखता हूँ तो आपने कहा कि आप ऐसे ही आए हैं तो बोल रहे हैं क्या? तो मैंने बोला कि अचानक आप आ जाना मेरे घर में तो पता चल जाएगा। मतलब मंत्री जी ने कहा कि मैं आपके दफ्तर आके नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आपके दफ्तर आया हूँ तो इसलिए बोल दे रहा हूँ कि नहीं मैं विस्तार न्यूज़ देखता हूँ, आप मेरे घर आना अचानक, मतलब छापा मार देना तो विस्तार न्यूज़ दिख जाएगा। तो हम लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि है, चलिए आइए, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा पूरा इनपुट है, मैं हर बार जो भी हमारे मेहमान आते हैं तो उनको मैं टीवी कैसे चलता है ये सब कुछ बताता हूँ। ये सारे लोग देखते रहते हैं मंत्री जी किस में क्या चल रहा है, ये कौन सा चला रहा है, ये क्या चला रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, और फिर ये सब कुछ बताते हैं इधर कि भाई साहब इसको जल्दी ले लो, बड़ा मतलब फास्ट प्रक्रिया होता है इसका। ये बहुत ही अच्छा है, अपने न्यूज़ में उठाना और लोगों तक पहुँचाना
ये हम सब के लिए बड़े हर्ष की बात है। मैंने पहले ही कहा ना कि विस्तार न्यूज बड़े एडवांस न्यूज है और अच्छी खबर दिखाने का प्रयास करता है। कभी भी कोई बनावटी खबर विस्तार न्यूज में नहीं रहता। ये हम सब के लिए बड़ी अच्छी बात है। पत्रकारिता के जो होना चाहिए जी जी, उस तरह से विस्तार न्यूज दिखाने का काम करता है। हकीकत खबर को, सही खबर को दिखाने का काम विस्तार न्यूज करता है। चलिए बहुत धन्यवाद। ये हमारे सब साथी हैं, लोगों से सवाल पूछते हैं। सबसे पहले इसी से सवाल पूछ लेते हैं। चंदन लगाया है, आप भी चंदन लगाए हैं, धार्मिक आदमी है और देखिए रुद्राक्ष पहना हाँ। है बहुत का, ये कहाँ कहाँ का तुम माला पहने हो जी? ये कहाँ कहाँ का रक्षा सूत्र है एक बार मंत्री जी को बता दो, हर जगह का जहाँ जहाँ का लोकेशन है। ये 6 ज्योतिर्लिंग है, ये काशी विश्वनाथ का है, ये केदारनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, भीमाशंकर। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना जगह भगवान की शिव भक्त हैं लगता है। मैं भी शिव भक्त हूँ, रोज कोहरिया में रहता हूँ या रायपुर में भी रहता हूँ तो कम से कम एक लोटा जल भगवान भोलेनाथ में चढ़ाता हूँ। और मेरे घर के सामने मेरे पिताजी ने शिव मंदिर बनवाए हैं। मैं कोहड़िया में रहता हूँ तो प्रतिदिन स्नान ध्यान करने के बाद मंदिर में जाता हूँ, भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चना करके ही अपने काम को आगे बढ़ाने का प्रयास। मैं भी शिव भक्त हूँ भाई। तो तुम शिव भक्त हो तो कुछ मंत्री जी को सुनाओगे, कुछ तांडव सांडव कुछ करते हो कि केवल सोशल मीडिया के लिए तांडव करते हो? कुछ है तुम्हारे पास, तुम्हारे पिटारे में है कुछ, क्या है? शिव तांडव आता है। आता है, सुन लें इससे। सुन लीजिए। हाँ सुन लीजिए, बताइए। मैं एक श्लोक लाता हूँ। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबी लंबिताम्बुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डमन्निना डमड्डमर वयम जगार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। जटाकटाह संभ्रम भ्रमण लिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगद 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 ज्वल ललाट पट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षणम मामा। ये थोड़ा भाव वाला लगा है, ये पाड़े बहुत चुलबुल है हमारे यहाँ का, चुलबुल पाड़े। जल्दी सवाल पूछ लो, माहौल बना दियो। सीरियस पूछता हूँ आज, सीरियस थोड़ा पूछ लेता हूँ आज। आप सीरियस पूछ सर, आप फिटनेस के लिए क्या करते हैं? मतलब चाउमिन बर्गर पर पिज्जा खाते हैं कि कुछ और खाते हैं आप? देखिए, मैं छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हूँ, बचपन से ही चावल खाना होता है। बाकी बीच में अभी कुछ दिन से शुगर का प्रॉब्लम आया है तो 2 टाइम रोटी का नाश्ता करता हूँ, बाकी दोपहर को चावल ही खाता हूँ। क्योंकि बिना भात खाए नींद ही नहीं आता। ये भतहा है हमारे यहाँ, ये भात इधर आओ। ये हमारे यहाँ इसका नाम भात रखे हैं हम लोग। हाँ, भात मैं भी खाता हूँ, एक टाइम दोपहर को भात ही खाता हूँ। हाँ। कहीं पर भी जा रहता हूँ, रोटी वगैरह सब बना रहता है, भैया मेरे को चावल खिला दो बोलता हूँ, भात खिला दो। हाँ। और जब तक एक बार चावल नहीं खाते, भात नहीं खाते तो मन भरता नहीं है, कि मेरे को लगता है कि मैं आज कुछ खाया नहीं। तो बड़े बड़े शहर में जाते होंगे मंत्री जी, तो वहाँ तो बड़ा बड़ा व्यंजन एकदम ला देते होंगे भर भर के 5-स्टार होटल में नहीं? अब कहीं पर उस टाइप का रहता है तो खोजते हैं कहाँ पर चावल है दोपहर को, और रात और सुबह को तो दिक्कत नहीं होता, बाकी दोपहर को चावल खोजना पड़ता है कि चावल कहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लोग सवाल लेते हैं। अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास, भारत प्रदेश की बात करेंगे। सौरभ, ये सौरभ है सुकमा से है मंत्री जी। अच्छा अच्छा, और ये डिजिटल देखता है, तो सवाल जल्दी से पूछ लो फिर हम लोग आगे बढ़े। सर, आप उद्योग मंत्री हैं और राज्य के विकास के लिए उद्योग सबसे ज़्यादा जरूरी है, लेकिन देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ उद्योग बड़े बड़े लग नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बड़े बड़े उद्योग? ये चाह रहा है कि टाटा ओटा टाइप बड़ी कंपनी आ जाए, बड़े बड़े चैनल आ जाए, तो यहाँ से नौकरी छोड़ के वहाँ भी इसको मौका मिल जाए, ये चाह रहा है। आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। नहीं जाएगा, जवाब दे दीजिए मंत्री। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और विष्णु देसाई जी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर हम लोग नया उद्योग नीति तैयार कर रहे हैं। और इस बार की उद्योग नीति काफ़ी अच्छा बन रहा है, जिसमें हमारे 1 नवंबर को नया उद्योग नीति हमारा लागू हो जाएगा। कल ही हमारे अमेरिका से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट रायपुर राजधानी पहुंच रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी साथ उनका बैठक। अमेरिका से आ रहे हैं? अमेरिका से आ रहे हैं। छोटा मोटा प्लान नहीं है भाई साहब, पूरा बड़ा लंबा चौड़ा प्लान है। और बाकी इन लोगों से भी जो नीति है वो सब भी पूछेंगे। साक्षी, ये ग्राफिक डिजाइनर हमारे यहाँ, ग्राफिक्स बनाती है। कोई सवाल है मंत्री जी के बारे में? कुछ रिसर्च किया है तुमने बेटा?
जी तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि अक्सर मंत्री जो रहते हैं वो सादे कपड़ों में नज़र आते हैं, वाइट कुर्ता पैजामा या फिर लाइट कलर्स ही पहनते हैं, तो आपका कभी मन हुआ कि कुछ कलरफुल पहने या फिर जीन्स पहने या ऐसा कुछ डिज़ाइनर? सवाल बड़ा अच्छा है। इसका कहना ये है कि जीन्स टी शर्ट पहनने का कभी मन करता है? जीन्स टी शर्ट मैं नहीं पहनता, मैं बहुत दिन हो गया सफारी ही पहनता हूँ। सफारी में मेरा वाइट नहीं रहता, सभी कलर का मैं पहनता हूँ। और आधा कपड़ा तो आजकल हम अपने को गिफ्ट में मिल जाता है, जो कलर देते हैं वो कलर को मैं बनवाता हूँ। बाकी कोई जैसा भी कपड़ा देता है उसको मैं किसी को देता नहीं, ज़रूर उसको बनवाता हूँ, भले 5 महीने 6 महीने 1 साल पहनूँ। समझ गई, जब कपड़ा इतना मिल जा रहा है और सफारी मंत्री बन गए हैं तो जींस टी शर्ट पहनने की क्या जरूरत है? मंत्री तो बने स्वेच्छा। कुछ सवाल है जल्दी से पूछ लो। मंत्री बने के बाद भी कोरबा में रहता हूँ जब अपन गांव में, तो मैं खुद के जो पुराना निवास है, मेरे पिताजी जो निवास बनाए हैं वो निवास में ही रहना होते, वहाँ ही पब्लिक मन से मैं मिलना जुलना कर तमाम भाई बहनी मन से। ये खोमन वैसे तो आपसे रोज सवाल पूछता होगा है ना, और ये परेशान तो नहीं करता मंत्री? नहीं नहीं, नहीं नहीं करता, बढ़िया लड़का है, ठीक लड़का है। हाँ तो इसको कंटिन्यू अभी रखें? क्यों नहीं रखेंगे, बढ़िया है। थोड़ा समझा दीजिए, आपकी बात मानेगा? उसी को पूछे ना, विस्तार नहीं, उससे जाना नहीं चाहता। सही बताओ भाई। सही बोल रहे मंत्री जी, कैमरे में बोल रहे हो मंत्री जी के सामने, कहीं इधर उधर दाएं बाएं तो नहीं करो? नहीं सर, नहीं जाऊं मैं, कहां जाऊं? नहीं जा, रवि रवि दिखाओ, अब चेक कर, ये गारंटर है इसका, जाएगा तो नहीं बोल दो? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, जाना मत। बताओ सवाल पूछ लो, और परेशानी वाला नहीं पूछना। मोर सवाल एरी से भैया कि ये जो 8 महीना है अपन के सरकार में, उद्योग विभाग में आपसे जो जुड़े विभाग है, का कुछ बदलाव करे, का कुछ उपलब्धि रही आपमन के? अभी हमन उद्योग विभाग में सबसे पहले तो सिंगल विंडो लागू करे हैं। पहले उद्योगपति मल्ला अपन आवेदन करना रहे, 14-15 विभाग में मल्ला अनुमति के लिए आवेदन करना पड़े। सिंगल विंडो में मन एक जगह ही आवेदन करे के बाद मल्ला सारी परमिशन एक जगह से ही मिल जाए। कहीं पर कुछ देरी होत रही तो मन के विभाग के मंत्री है या मन के चीफ सेक्रेटरी है या बड़े अधिकारी स्वयं देख ली, ऑनलाइन कंप्यूटराइज है, वो ऑनलाइन टेंडर भर के मतलब काम मिली। ये काम बड़ा काम अभी हमारे उद्योग विभाग में करे हैं। अब नया उद्योग नीति बने हैं, अब कुछ दिन बाद में तो मीडिया के सामने ही उद्योग नीति ला लॉन्च करबो, पूरा दुनिया ला बता के खबर बता दीजिए। अब अच्छा उद्योग नीति बना थे, माने वो उद्योग नीति में इदारी उद्योगपति मल्ला ज़्यादा फायदा दे के हमन सोचा था, ताकि ज़्यादा उद्योग लगी तो हमार छत्तीसगढ़ के हमार नौजवान साथी हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, वो मल्ला ज़्यादा रोजगार मिली, काबर के उद्योग से ही रोजगार के अवसर प्रदान होते। समझ गए खोमन साहब, आगे बढ़ी ठीक सर। और नहीं नहीं, एक भी सवाल नहीं, दूसरा सवाल क्यों पूछना भाई? ये इसका सवाल जो है उधर ट्रांसफर कर दो, अंशुल को दे दो। अंशुल अंशुल इसका सवाल ले लो, ये अकेले पूरा महफिल लूटना चाहता है, जाओ जाओ अपना सवाल दे दो, आगे जाओ, ऐसे नहीं होगा, अकेले पूरा सवाल पूछना चाहता है, कान में बतावे भाई, अंशुल ने बता दे। रवि मंत्री जी कह रहे हैं आपको पता, ये कह रहे हैं सिंगल विंडो, हालांकि सरकार सभी दावा करती है कि सिंगल विंडो में सब कुछ हो जाएगा, पर उद्योग लगाने वाला जो व्यक्ति होता है मंत्री जी, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास कई तरह के इस तरह की क्वेश्चन आते हैं कि बताइए हमको उद्योग लगाना है, हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इसके बाद भी कहीं ये परमिशन लटक गया, कहीं वो परमिशन लटक गया, एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ, और फिर उद्योगपति परेशान होते रहता है। इसीलिए तो सिंगल विंडो लागू किए हैं हम लोग, पहले उद्योगपति अलग अलग विभाग में जाते थे, उनको विभाग का चक्कर लगाना पड़ता था, दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ता था, बाकी अभी सिंगल विंडो में उनको दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने सिंगल विंडो लागू किया है, उसको भारत सरकार भी चाहता है कि सिंगल विंडो हर प्रदेश में लागू हो, ताकि लोगों को राहत मिल सके। तो कुल मिला के कुछ दिन बाद इसका असर देखने लगेगा? जी जी बिल्कुल, उद्योगपति परेशान ना हो आप ये आश्वासन दे रहे हैं? बिल्कुल, कोई भी किसी भी तरह से परेशानी मत पड़े। ठीक बात। रवि मंत्री जी के बारे में रिसर्च कर रहे थे, पता चला कि इनके परिवार में बहुत सारे लोग हैं और पूरा परिवार एक साथ ही रहता है, और इस पूरे परिवार में सबसे बड़े हैं, बहुत जिम्मेदार हैं, तो सबका देखभाल करना, सबकी जिम्मेदारी, पढ़ाई लिखाई, ये सब कैसे मैनेज किया आपने? मेरे पिताजी जब पैदा हुए
तो उस समय उनके पिताजी नहीं थे, माँ ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया और हमारे जो दादी माँ थे उन लोग साग सब्जी लगाते थे खेती बाड़ी में, सर में लेकर बाज़ार में बेचने जाते थे। बाद में मेरे पिताजी बड़े हुए तो उन्होंने कपड़ा का बाज़ार में अपना दुकान प्रारंभ किया। मैं भी उनके साथ साथ में कहीं पिताजी को कुछ किसी काम के लिए दूसरे जगह जाना पड़ता था, मैं कम उम्र से ही बाज़ार में जाना प्रारंभ कर दिया था। फेरी वाले बाज़ार में दुकान लगाते थे, घूम घूम के नहीं, जो बाज़ार हाट अच्छा, बाज़ार हाट लगता है हाँ। बाज़ार हाट में दुकान लगाते थे, मैं भी 16 साल बाज़ार हाट में दुकान लगाया हूँ। और उसके बाद में मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से जुड़े हुए थे और उन्हीं के इसमें चलते हुए हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए। और उसके बाद मुझे प्रथम बार टिकट भी मिला पार्षद का। और जैसे मैं, मेरे पिताजी कम ही उम्र में स्वर्गवास हो गए, मेरे छोटे भाई बहन लोग छोटे छोटे थे, सबका शादी बर बिहाव लगभग मेरे हाथों से हुआ। मेरा सबसे छोटा भाई नरेंद्र वांगन है, भी वो पार्षद है, युवा मोर्चा जिला महामंत्री है कोरबा जिला का, वो लगभग 4-5 साल का था। स्वर्गवास हो गए पिताजी, पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद पूरा घर का देख रेख मेरे ऊपर आया। बाकी मैं भी तो सीधे सज्जन लगते हैं, कहाँ से सफर तय किए, और नेता लोग तो बड़े खुराफाती होते हैं। बाकी खुराफाती नहीं है, मन है सब लोग अच्छे रहते हैं। अरे नहीं, मतलब खुराफाती का मतलब मेरा ये है कि वो दांव पेच बहुत जानते हैं, तो आप भी तो ये सब किए होंगे तब तो यहाँ तक पहुँचे। देखिए, जब प्रथम नगर निगम बना कोरबा, और उस समय बड़ा विचित्र कहानी, एक तरह से मैं कहूँ कि भाग्य ही है। मेरे पिताजी स्वर्गीय हुए थे और प्रथम नगर निगम बना था लगभग 25 साल पहले। गांव में मेरे वार्ड में गांव के बुजुर्ग लोग, गांव के मुखिया के रूप में पिताजी भी काम करते थे, गांव के लोग मीटिंग बैठे तो मैं उस मीटिंग में नहीं गया था। तो मेरे को बुलाने भेजे, तो मैं सोचा कि मेरे पिताजी नहीं गए हैं इसलिए मेरे को बुलाने भेजे हैं। तो मैं गया वहाँ पर, उन लोग सब लोग मुखिया लोग बैठे थे वार्ड के, और उन्होंने कहा कि भाई बताइए कैसे बुलाए हो। मैं बोला तो उन लोग बोले कि भाई आपको हम पार्षद का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो मैं बोला कि भाई अभी मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गया है, मैं बाजार हाट करता हूँ, फिर चुनाव में बहुत सारे पैसा खर्चा होते हैं, कहाँ से आएगा, क्या करेंगे। तो नहीं, बोले आपको चुनाव लड़ाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट भी मिल जाएगा, क्योंकि आप पिताजी सक्रिय रूप से भारतीय जनता पार्टी में काम करते थे। आप टिकट मांगे नहीं थे? मैं टिकट नहीं मांगा था, मेरे गांव वाले भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जो हैं डॉक्टर स्वर्गीय डॉक्टर बंसीलाल महतो जी, वो उस समय जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, तो गांव वाले ने जाके कहा कि लखनदा वांगन को हम लोग चुनाव लड़ाना चाहते हैं वार्ड से, उनको आप टिकट दीजिए करके। तो उन्होंने तुरंत हाँ बोला कि लखनदा वांगन ही हकीकत में मेरे को भी मालूम है, बोले तुलसीराम जी का लड़का है और चुनाव वही जीत सकता है, दूसरा नहीं जीत सकता। और उस समय भी मेरे से बड़े आदमी से चुनाव कांग्रेस ने चरणदास जी महंत के, उस समय मध्य प्रदेश के तत्कालीन, चरणदास को हराए हैं क्या? नहीं, चरणदास को नहीं हराया हूँ, चरणदास के साला साहब वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। हाँ। और चरणदास जी महंत जी तत्कालीन गृह मंत्री थे मध्य प्रदेश के समय, तो हरा दिए उनको। और चरणदास जी भी चुनाव में घर घर घूमे। नहीं, हराए कि नहीं बताइए आप कहानी देखो दिखाई आए थे चरणदास महंत के। हाँ, जीतने के बाद? नहीं, जीतने के बाद नहीं, चुनाव हो रहा था उसी समय आए थे। और चरणदास जी आए घर में, फिर वो अपना बोले भैया थोड़ा सा पानी दो, और उड़ाकू घिसे। फिर उसके बाद में मेरे को बोले कि भाई तू चुनाव जीत रहा है, मैं घर घर घूमा हूँ, बोले अभी मेरा साला नहीं जीत पा रहा है, तो जब लनफन में मात्र आराम के साथ चुनाव लड़ा, तू तो चुनाव जीत रहा है, काय को फिक्र कर रहा है। हाँ। ऐसे करके वो चले गए और चुनाव में अच्छा वोट से जीत हासिल हुआ। फिर उसके बाद में मैं पार्षद रहते ही मुझे महापौर का टिकट मिला कोरबा नगर निगम का। पहली बार में जीत गए? हाँ, जीत गया था। उस समय माननीय लखीराम जी हुआ करते थे, और लखीराम जी ने आशीर्वाद दिया और महापौर का टिकट मिला, उसमें अच्छे मतों से जीता। उस समय भी मैं बहुत बड़ा दारू के ठेकेदार से मैं चुनाव लड़ रहा था। इस बार भी तो आप कौन से कम धन्ना सेठ को हराए हैं, जयसिंह अग्रवाल, इतने बड़े आदमी। इस बार तो हम लोग जन बल और धन बल का नारा दे दिए, और जनता ने जन बल का समर्थन किया। ये चुनाव से रिलेटेड जो ना आप जयसिंह को हराए हैं, जयसिंह अग्रवाल को, इससे रिलेटेड ये रसिका सवाल है, इसके पास ये पूछे कि हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रदीप जी, ये सवाल बहुत कम पूछते हैं, उधरी चलेंगे, आप वहीं रहिए, इनसे सवाल लेके मैं आ रहा हूँ, सवाल पूछ लीजिए जल्दी से। सर, 2013 और 2023 ये दो जो समय कालखंड है, ये आपके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा होगा, क्योंकि आपने 2013 में ऐसे विधायक को हराया जिसने 7 बार
से वो जी जी विधायक थे और 2023 में आपने जयसिंह अग्रवाल जी को हराया, ठीक है। लेकिन 2018 में हारने के बाद है ना, कैसे पार्टी ने आप पर भरोसा जताया? मैं समझ गया आपका सवाल, इससे ज़्यादा नहीं पूछते दूंगा भाई, बहुत लंबा पूछ रहे हैं। इनका कहना है कि एक बार जब चुनाव आप 18 में हार गए थे, मुख्य सवाल इनका यह है कि 23 में फिर पार्टी ने को क्या भरोसा हुआ कि आप जीत सकते हैं? देखिए, और जयसिंह अग्रवाल रसिका सवाल ड्रॉप, प्रदीप जी ने पूछ लिया। मेरा जैसे नहीं नहीं मैं मेरा सवाल ये है, इतना साधारण नहीं जाने दूंगा, आप तो बहुत अच्छे से स्मूथली सब सवाल का जवाब दे। मैं ये कह रहा हूँ कि जयसिंह अग्रवाल पैसे वाले व्यक्ति, फिर उसके बाद सरकार, उस समय क्या रणनीति रही कि जयसिंह अग्रवाल को हरा दिया आप लोगों ने? पार्टी ने पूरा सपोर्ट किया या फिर जातिगत समीकरण था या फिर लहर कुछ ऐसा बना दिया, कौन सा सिगुफा था वो? मैं कोरबा नगर निगम का महापौर था, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के आशीर्वाद से झुग्गी झोपड़ी के एक इंच कहीं पर नहीं बचा जहां पर सीसी रोड नहीं बना होगा, सारी जगह सीसी रोड का जाल बिछाया। काम तो आपने किया होगा, उसी का असर मेरे को फायदा अभी चुनाव में मिला। नहीं नहीं, लेकिन लेकिन जयसिंह अग्रवाल ने भी तो कम दांव पेच नहीं खेला होगा ना, कुछ इंटरेस्टिंग कहानी तो बताइए जहां वो दांव पेच इतना खेला, लोगों को 55,000 10,000 तक बांटा, घर पीछे पैसा बांटा, और जन बल और धन बल के लड़ाई में आप लोग जन बल का समर्थन करें। अगर सेठ जी पैसा देता है तो उसको आप लोग बोलिए कि पैसा हमारा पैसा है, आपका कमाया हुआ पैसा नहीं है। वो 5,000 और 10,000 दे रहे थे, आप भी बांटे थे? मैं 1 रुपये नहीं बांटा था किसी भी जगह। मैंने इतना जरूर कहा था, सेठ जी अगर आपको 5,000 देता है तो उनसे 1,00,000 मांगिए, आप छोड़िए मत पैसा को। मैं बोला पैसा उनसे ले लीजिए, वोट मेरे को दे दीजिए। वैसे किया जनता ने, पैसा उनसे लिए, पैसा वोट आपको दे दी, वोट आप मेरे को दिए। अब ये जो कैमरामैन है ना, कैमरामैन लोग सवाल नहीं पूछ पाते हैं जी, और लेकिन ये विस्तार न्यूज है, आपका अपना चैनल है तो इसका भी है। तुम ऐसे फ्रेम बनाए रहना, तुम्हारा फ्रेम जो है ये बनाएंगे, तो फ्रेम नहीं बिगाड़ना चाहिए। यही चुनौती है कि सवाल भी पूछना है और फ्रेम भी नहीं बिगाड़ना है, सवाल कुछ भी पूछ सकते हो, दिमाग चलाओ। आप इतने सवालों से पत्रकार और जनता पूछती है, आप सवाल पूछती है आपसे, इससे परेशान होने के बाद फिर कहाँ पर इसका असर निकालते हैं? हाँ मतलब ये, हाँ ये सवाल ठीक है कि जब मान लीजिए इतने सवाल हो गए, जनता आ गई खूब सारे कि मंत्री जी ये काम कर दीजिएगा, तो कभी तो झुझलाहट होती होगी ना, झल्लाहट होती होगी। एक सवाल है अरब से, मेरे को कभी जनता से परेशानी नहीं लगता, जनता आके बोलती है। कोई बड़े कई लोग गुस्से में आके बोलते हैं, तो उन लोग गुस्से में बोलते रहते हैं तो मैं जवाब नहीं देता, मैं चुपचाप रहता हूँ, वो खुद ही शांत हो जाता है। समझ गए तरीका। चलिए राधा जल्दी से एक सवाल पूछ लो। सर, जब आप पहली बार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई थी आपकी, कोई एक ऐसा किस्सा जो आपको अभी तक आपके दिमाग में घूम रहा होता है? मोदी जी से मिले थे? मोदी जी से मैं प्रथम बार, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कोरबा क्षेत्र में उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान आए थे, और महापौर होने के नाते मुझे उनके मंच में स्थान मिला। उसके बाद में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को उपाध्यक्ष बना दिया गया, तो जब भी प्रधानमंत्री जी आए, चाहे रायपुर हो रायगढ़ हो, उपाध्यक्ष होने के नाते मुझे मंच में स्थान मिलता था, और आज मंत्री होने के नाते मंच में स्थान मिलता है, तो निश्चित तौर पर मोदी जी के साथ बातचीत कभी किए? और लखन जी क्या हाल हैं? उस टाइप का बातचीत नहीं हुआ है, हाथ मिलाते हैं और ठीक है ना, बस इतने ही बोलते हैं। हाँ। क्योंकि अब उनके साथ तो आते हैं तो ऐसा एक जने लखन दबागा नहीं रहता, सैकड़ों में लोग खड़े रहते हैं। रसिका चलो फिर हम लोगों को स्टूडियो जाना है, स्टूडियो भी दिखाना है, सवाल पूछ लो। सर मेरा पहला सवाल यही है, बहुत साइलेंट रहते हैं आप और आपको राजनीतिक विवादों में देखा नहीं है, तो दो ही चीज हो सकती है, या तो आप साइलेंट किलर हैं, पूरा प्लान करके चल रहे हैं, या तो साइलेंट किलर, बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं। हो सकता है ना, क्योंकि जिस हिसाब से अभी आप बता रहे थे तो लग तो यही रहा कि आप साइलेंट किलर हैं, क्योंकि विपक्ष के नेता भी आपसे खुश हैं। इतना साइलेंट रह के जयसिंह अग्रवाल जैसे वोकल आदमी को हरा देना, कैसे कैसे? कहीं पर भी उटपुटांग बयानबाजी नहीं करता, जो हकीकत बात रहता है उसी को बोलता हूँ। आरोप प्रत्यारोप बेवजह का मैं किसी के ऊपर नहीं लगाता, इस कारण से विपक्ष भी मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाता। तो अभी हराने के बाद जयसिंह जी से दोस्ती है? पता नहीं उनको क्या लगता है, मुझे देखते हैं तो दूर से खिसक जाते हैं। बाकी एक दो जगह शादी बर विवाह में कोरबा में टकराया है, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ तो दूसरे गली से निकलते हैं। एक दिन घर चले जाइए, कहिए खाना वाना खिलाओ यार अग्रवाल जी। जी जी चलिए ठीक है, इधर चले हम लोग। ये ठाकुर साहब हैं, आज ही आए हैं बस्तर से। अच्छा, और ये बस्तर प्रभारी हैं हमारे। अच्छा, तो बस्तर में नक्सलवाद को बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं, जिसकी तारीफ अभी गृह मंत्री जी करके गए। जी जी, तो बस्तर में उद्योग लगवाना चाहते हैं आप? नहीं देखिए, हम लोग को ना
साफ हवा में सांस लेने की आदत हो गई है और उद्योग सर एक दिक्कत क्या है कि हवा गंदी हो जाती है। आप विदेश गए होंगे, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है क्या कि साफ हवा भी मिले, उद्योग लग जाए, रोजगार भी उत्पन्न हो, तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? ये देखिए, विद्युत की बहुत बड़ी मांग रहती है और जो कोयला और पानी से चलने वाला विद्युत पावर प्लांट होते हैं उसमें बहुत सारे प्रदूषण की भरमार रहती है। मैं भी कोरबा से आता हूँ, बहुत सारे पावर प्लांट वगैरह लगे हैं, उसके कारण से काफ़ी प्रदूषण रहता है। बाकी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोलर के ऊपर विशेष फोकस किया हुआ है। हमारे यहाँ भी छत्तीसगढ़ में सोलर के माध्यम से विद्युत का हम लोग फोकस कर रहे हैं। अभी कई लोगों ने आवेदन किया है, हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से समय भी मांगा है कि सोलर के माध्यम से विद्युत उत्पादन हो। आइए अब आपको मैं थोड़ा सा अपना स्टूडियो दिखाता हूँ, क्योंकि हम लोग एक बार हर किसी से यहाँ जो भी आता है वो उससे एंकरिंग करवाते हैं। चलिए आइए देखिए स्टूडियो कैसा लगा आपको। बहुत अच्छा स्टूडियो है। ऐसा स्टूडियो तो देखने के लिए दिल्ली बॉम्बे में मिलता है। ये बात आपने बहुत अच्छी कही, ये जो सारा दिख रहा है स्क्रीन इतनी बड़ी और ये दूसरा इंटरेक्टिव पैनल, ये बेसिकली है नहीं अभी छत्तीसगढ़ में। आइए पहले हम लोग आपको एंकर बनाते हैं, देखिए कितना सरल होता है, लोग सोचते हैं बहुत कठिन है। आइए बैठिए, यहाँ पर आपका प्रैक्टिस करवाता हूँ, बैठिए। 3, 2, 1 गो मंत्री जी। नमस्कार, मेरा नाम लखनलाल देवांगन है। जब मेरी राजनीति में एंट्री हुई थी तब मैं पार्षद बना था। वर्तमान में मैं श्रम एवं उद्योग मंत्री के रूप में आपकी सेवा कर रहा हूँ। मेरा विभाग क्या काम कर रहा है ये जानने के लिए देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार। क्या बात है, ताली बजाइए भाई, क्या बात। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। आइए आइए, तो आप जाते जाते दो सवाल, एक सवाल, एक ही सवाल है जो मैं सबसे पूछता हूँ, आपसे भी पूछूंगा। जितने लोग हमारे गेस्ट बन के आए मंत्री जी, मैंने सबसे पूछा और वो सवाल ये था कि दो पद अभी खाली हैं। जी, एक पद बृजमोहन अग्रवाल जी की वजह से खाली हुआ है और मैं धीरे धीरे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप सोच लीजिए, और दूसरा पद जो है पहले से ही खाली है और इतने सारे विधायक अभी बचे हैं, वो कौन से दो विधायक हैं जिनको आप चाहते हैं कि कैबिनेट की जब बैठक हो तो आपके साथी की तरह वो भी मंत्री बन के बैठे? देखिए, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में संगठन की चलती है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, जो तय करेंगे उनको मौका मिलेगा, क्योंकि हमारे 54 विधायक में से अभी 53 विधायक हैं। हम लोग एक विधायक फिर से अभी कुछ दिन में चुन के भारतीय जनता पार्टी के रायपुर से आ जाएगा। मेरे को भी मंत्री बनाए तो मेरे को नहीं पूछा गया था, जब रात को दूसरे दिन शपथ लेना था और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से फ़ोन आया तो मैं समझ गया कि मुझे मंत्री का दायित्व तो मिल रहा है। तो जो विधायक हैं दो, उसमें से खास मित्र आपके कौन हैं? मित्र सभी, मित्र लोग सभी लोग एकदम खास वाले नहीं, अब ये सब सरकार संगठन के ऊपर है, ये नहीं बताना है। अच्छा कोई बात, अच्छा दूसरा मैं रायपुर के दृष्टिकोण से एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, जो उरला सिलतरा ये जो थोड़ा सा शहर के पास में, शहर के पास में जो इलाका पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो क्या इसको भी कहीं प्लान है क्या शिफ्ट करने का या देर सवेर, क्योंकि रायपुर इससे प्रदूषित हो रहा है? अभी तो ऐसा सरकार के पास में ऐसा विषय नहीं आया है कि कहीं स्थानांतरण उसको किया जाएगा, हटाया जाएगा, क्योंकि इतना सारे उद्योग लग चुके हैं, अब इसको हटा पाना भी संभव नहीं है। चलिए, तो लखनलाल देवांगन जी उद्योग और श्रम मंत्री, जिनको मैं भी नहीं जान रहा था कि इतनी रोचकता से जवाब देंगे, बताइए आधे घंटे से ऊपर का इंटरव्यू हो गया पता ही नहीं चला, और मैं इनकी शख्सियत को ये जानता था कि बहुत शांत हैं, लेकिन देखिए कैसे चुनाव हराया, कैसे राजनीति में एंट्री हुई, कितना संघर्ष रहा, वो फोटो और फिर वर्तमान में राजनीतिक सवाल जिसमें मैंने उलझाने की कोशिश की, उलझे भी नहीं, कहे चलिए भाई वो सब संगठन का मसला है, बताया भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंत्री जी, आपने इतना समय दिया विस्तार। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद देता हूँ, एक अच्छा माहौल में बातचीत हुआ और जिस तरह से विस्तार ने उसका क्रेज पूरा भारत में बना हुआ है, छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, आगे भी बना रहे, ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ। चलिए, तो मुझे और मंत्री जी को इजाजत दीजिए और बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ। आज के गेस्ट इन न्यूज रूम में मेहमान लखनलाल देवांगन थे, आगे कोई और आएगा इसी तरह से बातचीत करेंगे। नमस्कार।